मामू फिर से कहता है, अगर तुमने उस वायरस को सिक्योर नहीं किया तो तुम डेंजर उठाओगे, तुम्हारे एनिमी ऐसा करे, और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो तुम्हारा वाइल्डेस्ट ड्रीम वो चुरा ले जाएंगे। तब हुड अपने साथियों से कहता है, अगर हमने उसे अपने हाथ में नहीं लिया तो टेलॉन उसे मिस्टर नेगेटिव या मैगी को बेच सकता है, और एक बार हमने उसे लीक कर दिया तो हम अपनी प्राइज रखेंगे यूएन या हैमर के सामने। तब उसके साथी उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारा मतलब है तुम डूम्डे डिवाइस की धमकी देकर पूरी दुनिया से फिरौती वसूल करोगे। हुड, हमें से बहुत लोगों ने तुम्हारा गैंग इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि तुम ऐसे स्टूपिड स्टीरियोटाइपिकल विलन के काम नहीं करोगे, और तुम सुन भी रहे हो या नहीं हमें? ये डिजीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर लेकर आएगा। तब हुड कहता है, अच्छा तो तुम ये नहीं कर सकते। उस पर उसके साथी कहते हैं, नहीं हम ये कर तो सकते हैं। ठीक है, तुम जो कहोगे वही बेस्ट होगा। तब हुड कहता है, ब्लैक टेलॉन ने हमेशा मुझसे वफादारी दिखाई है, लेकिन मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। टेंशन मैकब्रे, ये स्पोक शो लगता है, तुम अपने लोग तैयार करो, हम 20 मिनट्स में निकलेंगे। तब वो कहती है, नाइट शिफ्ट रेडी है। तब हम देखते हैं ब्लैक टेलॉन का प्लांटेशन टाइनो में, जहाँ पर पिंजरे में बंद जॉम्बी डेडपूल गाना गा रहा था। तब उस पर टेलॉन कहता है, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हारा मुंह सिल दूंगा मेरे बाकी जॉम्बीज की तरह। तब डेडपूल उसे चिढ़ाते हुए कहता है, जब भी तुम ऐसे बात करते हो बहुत प्यारे लगते हो। तब टेलॉन कहता है, जेंटलमैन हमारे बायर्स आ सकते हैं, और इसका ध्यान रखना कि ये मुझे एम्बेरस ना करे। तब डेडपूल सिमन गार्थ से कहता है, मुझे अब भी लगता है कि हम एक ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहाँ पर मैं और तुम फ्री होकर जी सके, क्या कहते हो? लेकिन वो जॉम्बी उस पर कुछ नहीं कहता। तब वो कहता है, सुनो तो सही, हम दोनों सेम वेवलेंथ पर है, ये स्पोकी है। तभी दूसरी तरफ हुड वहाँ पर आ जाता है, जिस पर उसको ग्रीट करते हुए टेलॉन कहता है, मिस्टर रॉबिन ये मेरे लिए प्लेजर होगा, और आगे पूछता है कि फैमिली कैसी है। द हुड नाइट शिफ्ट को बाहर निकालते हुए कहता है, बातें छोड़ो, वो करो जो हम यहाँ करने आए थे। तभी डोरमामू उसे बताता है कि एनिमीज आ रहे हैं तुम्हारी तरफ बास के जंगल से। तब द हुड टेलॉन से कहता है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी सारी गड़बड़ी ठीक करनी है। तुम्हें नहीं लगता कैरेबियन के सबसे बड़े कोकेन प्रोडक्शन सेंटर की सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए लोकल बोर्डगा से? तब टेलॉन कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तब हुड कहता है, शट अप, मैं काफ़ी समय से फिगर कर रहा हूँ। आगे कहता है, अब मैं ये सब अपने तरीके से करूँगा। तब हम देखते हैं मिडनाइट सन्स को, जहाँ पर हेलस्ट्रॉम कहता है, डॉक्टर मुझे फील हो रहा है कि कोई हमें वॉच कर रहा है। तब डॉक्टर मॉर्बियस कहते हैं कि कौन? उस पर हेलस्ट्रॉम जवाब देता है कि एक ऐसी एंटिटी जो आपके समझ के परे है। उस पर मॉर्बियस को लगता है कि वो मजाक कर रहा है, और वो कहता है कि यह आसपास टन्स ऑफ फंड्स है तुम्हारे लिए। आगे जाते हुए जेनिफर केल एक बोर्ड पर कुछ पढ़ते हुए कहती है, ये देखो ये वेवे है पापा लेगबागा, जो गॉड और मैन के रिलीम के गेटवे का गार्डियन लोहा है। तब डॉक्टर मॉर्बियस कहते हैं, तो मैं क्यों केयर करूँ? जिस पर जेनिफर केल कहती है, ये पावरफुल है, और जिसने भी ये प्रोटेक्शन लगाया है वो हमें मिलो दूर से डिटेक्ट कर रहा है। जिस पर मॉर्बियस कहता है, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस सिमेट्री में बहुत सारे ट्रबल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ के रेसिडेंट्स इसे अप्रिशिएट करते होंगे। तब वो वापस देखते हैं तो वहाँ की सारी कब्रें खुदी हुई थी, जिस पर जेनिफर केल कहती है, मैं इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ। अचानक नाइट शिफ्ट मिडनाइट सन्स पर अटैक कर देती है, जिस पर हेलस्ट्रॉम चौंक कर कहता है, ये लोग बच कैसे गए? मॉर्बियस और रसल के एनहांस सेंसेस से। तब द हुड कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन कभी कभी मैं खुद को भी इम्प्रेस कर देता हूँ। तब हमें पता चलता है कि ये काम द हुड का था।